नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे साउथ पर। अभी आपको पता चला होगा कि किस तरह से करण जौहर को भी जो है तकलीफ़ें हो रही हैं, ये जो पूरा लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से। उनकी फिल्म तख्त जो है उसके एक सेट ऑफ प्रोड्यूसर्स ने पहले छोड़ा, उसके बाद टी सीरीज़ ने आकर के जो है संभाला है और इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का निर्णय किया है। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि करण जौहर जो है इस पर्टिकुलर जो पूरा हम लोग का फेज चल रहा है कोरोना वायरस के लॉकडाउन का, इससे बाहर निकलने के बाद एक और फिल्म को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी, और वो फिल्म और कोई नहीं है बल्कि विजय देवरकोंडा की जो फिल्म थी डियर कॉमरेड, उसका रीमेक है। जी हाँ, इसका राइट उन्होंने पिछले साल ही लिया था जिस समय डियर कॉमरेड रिलीज़ की थी। हालांकि डियर कॉमरेड को जितनी अपेक्षा थी उतनी फिल्म चली नहीं, जिसकी वजह से ये फिल्म का जो रीमेक का आइडिया था इसे काफ़ी लंबे समय के लिए पोस्टपोन कर दिया था करण जौहर ने। लेकिन अब जबकि उन्हें एक मीडियम बजट की फिल्म बना करके जो है अपने आप को वापस स्टैब्लिश करना है, क्योंकि इसके बाद अभी हाई बजट फिल्में कुछ दिनों के लिए रुकी रहेंगी मेरे हिसाब से। कुछ मीडियम बजट फिल्में आ करके कुछ पैसे कमा लें, क्विक फिल्म्स बना सकें, जल्दी से जल्दी जो है 4-5 प्रोडक्शन निकाल सकें, ये फोकस रहेगा हर इंडस्ट्री का इस समय। और इसी के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीमेक जो है हो ही करके रहेगा। आपको मैं इस बारे में और बताता रहूँगा जैसे ही मुझे और जानकारी मिलेगी। लेकिन इस समय हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा।